Bismillahirrahmanirrahim. alaikum my dear students. Students, in today's lecture, I'll be talking about uh, Magnum Opus of T.S. Eliot, uh, that is uh, The wasteland a very important and very famous poem. Uh, so, students, before discussing the poem, I will tell you a little about uh, the poet T.S. Eliot. Students, I have already uploaded uh, a lecture on. Eliot's biography, but uh, just uh, for your revision, I will tell you little about the poet. So, students, uh, T.S. Eliot, who was T.S. Eliot? Thomas Stern Eliot. Uh, he was an eminent English poet. Uh, you can see perhaps uh, uh, he was the most famous poet of 20th century. He wrote uh, poetry, plays, literary criticism.

and uh, um, as i have already told you that uh, his full name was thomas stern eliot and he is one of the representative poet of modern age uh, so students uh, now we'll discuss the uh, poem wasteland students this lecture me, jo इंट्रोडक्शन और कुछ इसके इस पोइम पे थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे कि इस पोएम की जो लिटरेरी टेक्निक्स इसमें यूज़ हुई हैं जो मिथ्स और लेजेंड्स uh, का जो जिनका जिक्र किया गया है इसमें और इनसे uh, कि एक डिटेल्ड इंट्रोडक्शन इसमें हम लोग पढ़ेंगे इस लेक्चर में और फर्दर जो uh, इसकी ट्रांसलेशन एंड लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन है वो नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे तो स्टूडेंट्स वेस्ट लैंड वेस्ट लैंड क्या है वेस्ट लैंड इज़ एक्चुअली अ मास्टर पीस ऑफ इलियट एंड इट वाज पब्लिश इन 1922 और इस वक्त जो है वेस्ट लैंड दुनिया में सबसे ज़्यादा ट्रांसलेट की जाने वाली इंग्लिश पोएम है ये ट्वेंटिय सेंचुरी की सबसे मुश्किल पोएम कंसिडर की जाती है क्योंकि इसमें बहुत सारे एल्यूजनस बहुत से रेफरेंसेस मिथ्स डिफरेंट लैंग्वेजिज़स से कोटेशंस यूज़ की गई हैं एज यू नो मॉडर्न लिटरेचर इज़ नोन फॉर इट्स ऑब्सक्योरिटी सो मॉडर्निस्ट राइटिंग्स आर वेरी डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड सेम इज़ द केस विद दिस दिस पोएम द वेस्ट लैंड और यह पोएम वेस्ट लैंड बहुत ही फ़ेमस हुई अपनी जिदत की वजह से और करेंट सिचुएशन से रेलिवेंस की वजह से टी एस एलियट ने इस पोएम में मॉडर्न कल्चर की ड्राइनेस पर फोकस किया है और ये पहले ये पोएम बहुत लेंथी थी मगर फिर टी एस एलियट ने एसरा पाउंड की मदद से इसको थोड़ा सा रिफाइन किया ट्रिम किया और बहुत सी लाइंस को एक्सक्लूड कर दिया और चूँकि उन लाइंस में बहुत ज़्यादा वो डिटेल्ड थी ना लाइंस तो उन लाइंस के एक्सक्लूड करने की वजह से ये इसकी ऑब्सक्योरिटी बढ़ गई इसकी ये मज़ीद डिफ़िकल्ट हो गई तो आप ये जो पोइम है ये ट्रीम्ड वर्जन है असल पोइम का तो टी एस एलियट ने इसमें बहुत सारे मिथ्स और लेजेंड के रेफरेंस दिए थे आ, लेकिन वो डिटेल्स जो थी वो बहुत हद हाँ तक उनको ट्रिम कर दिया गया एजरा पाउंड की मदद से और एजरा पाउंड ने जो कि इसमें बहुत ज़्यादा हेल्प की टी एस की इसलिए टी एस ने ये पोएम जो है वो एजरा पाउंड को ही डेडिकेट की है तो स्टूडेंट्स दिस पोएम इज़ स्टार्टेड विद एन एपीग्राफ एपीग्राफ जो है इस पोएम का वो लेटिन और एनशियट ग्रीक लैंग्वेज में लिखा गया है हम इसका आ, एपिग्राफ अगर पढ़ें तो जो है ना उससे ही अंदाज़ा हो जाता हो जाता है कि आगे पोएम में क्या होने जा रहा है एंड दिस एपिग्राफ इज़ टेकन फ्रॉम सेट्रिकॉन बाय पेट्रोनियस आर्बिटर एपिग्राफ इज़ एक्चुअली अबाउट माइथोलॉजिकल करेक्टर ये माइथोलॉजिकल करैक्टर कौन है कौन सा है सिबिल सिबिल माइथोलॉजी के मुताबिक ही जो सिबिल है इसको गॉड अपोलो ने इमोटेलिटी से नवाजा था अब ये क्या था कि जो आ, सिबिल थी उसको मोटेलिटी से इमोटेलिटी से तो नवाज दिया मगर ऐसा हुआ कि सिबिल ने हमेशा के लिए उसको जवानी जो है वो मांगना याद नहीं रहा तो यू नो कि वो उसकी वो मर तो नहीं सकती थी तो लेकिन उसका जिस्म जो है वो बूढ़ा होता गया बूढ़ा होता गया और एक वक्त आया कि सिर्फ उसकी जो जिस्म है उसका इतना नहीं हो गया बस उसकी आवाज़ बाकी रह गई और उसको केज में एक में बंद कर दिया गया अब ऐसा था कि वो मरना चाहती थी लेकिन एज यू नो दैट शी वॉज़ करंटिड बाय अपोलो तो जो है वो मर भी नहीं सकती थी अब ये जो एपिग्राफ है इस बात को पॉइंट आउट करता है कि मॉडर्न वेस्टलैंड जो है उसमें रहने वाले मर्द और औरतें सब अपनी ज़िंदगी से खौफ जदा है अब ये देखें ये जो एपिग्राफ है ये ऊपर एंशिएंट ग्रीक और लैटिन जुबान में लिखा हुआ है नीचे इसका जो ट्रांसलेशन है देखें फॉर वंस आई माई सेल्फ सा विद माई ओन आईज़ द सिबिल ऑफ क्यों मे हैंगिंग इन अ केज एंड वेन द वॉइस सेड सिबिल वट डू यू वॉन्ट शी रिप्लाइड आई वॉन्ट टू ड्राई सिबिल से जब पूछा गया कि आप तुम क्या चाहती हो तो उसने कहा कि मैं मरना चाहती हूँ तो एक्चुअली यह अपीग्राफ जो है वो पॉइंट आउट कर रहा है कि वट इज़ गोइंग टू बी हैपन नेक्स्ट इन द पोएम के पोएम जो है वो सारी किसके के है थ्रू आउट द पोएम हम यही ही देखते हैं कि ये लोग जो हैं वो मॉडर्न वेस्ट लैंड में रहने वाले लोग जो हैं वो ज़िंदगी से खौफजदा हैं और मरना चाहते हैं तो स्टूडेंट्स इस एपिग्राफ के एंड पे हम डेडिकेशन देखते हैं फॉलोइंग द एपीग्राफ इज़ आ डेडिकेशन दैट रीड्स फॉर एज्रा पाउंड एल मेग्लियोर फेब्रो इसका मतलब है द बेटर क्राफ्ट मैन चूँकि एजरा पाउंड ने इलियट की इस पोएम को एडिट करने में हेल्प की थी तो इसकी एफर्ट्स को एक्नॉलेज करने के लिए ये पोएम जो है उसने एजरा पाउंड को डेडिकेट की है इल मेग्लेर फेब्रो का मतलब है बेटर क्राफ्ट मैन तो स्टूडेंट्स अब हम लोग देखते हैं वेस्ट लैंड के जो सोर्सेज हैं क्या क्या सोर्सेज हैं इसके इलियट ने इसमें बहुत सी मिथ्स और लेजेंड्स के सोर्सेज जो हैं रेफरेंसेस जो हैं वो यूज़ किए हैं एक्चुअली ही वाज वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड मेनली बाय टू इम्पोर्टेंट बुक्स वन इज़ जेसी वेस्टर्नस बुक द बुक नेम इज़ फ्रॉम रिचुअल टू रोमांस। एंड द सेकंड वन इज़ फ्रेंजर सॉरी फ्रेजर बुक द गोल्ड गोल्डन बो फ्रेज़र की बुक है द गोल्डन बो और जैसी वेटसन की बुक है फ्रॉम रिचुअल टू रोमांस इन दोनों बुक से सोर्सेस ये सोर्सेस यूज़ की गई हैं ये बुक्स और अदर सोर्सेस में बाइबल है और इसके अलावा हिंदुओं की बुक पंचत और बुद्धा का फाइट सरमन इसके अलावा एलियट ने जफ़री चौसर को शेक्सपियर को स्पेंसर ऑलडस हक्सले और वॉल्ट विटमन के आ, राइटिंग्स में से भी बहुत कुछ जो है वो कोट किया है इवन आ, जो है बॉडलेअर और, और होमर बा, से भी काफ़ी ज़्यादा कोटेशन्स ली गई हैं उसके अलावा जो है इलियट ने बहुत सारी मिथ्स और लेजेंड्स भी इसमें यूज़ किए हैं अब मिथ्स और लेजेंड्स जो उसमें यूज़ हुए हैं इस पोएम में आ, वो हम लोग देखते हैं सबसे पहले जो बहुत इम्पोर्टेंट मिथ्स यहाँ पे जो लेजेंडली लेजेंडरी फिगर यूज़ हुई है वो है फ़िशर किंग की फ़िशर किंग कौन था फ़िशर किंग वाज एक्चुअली अ वेरी सिनफुल रूलर और अपने सिंस की वजह से अपनी लस्ट की वजह से उसने जो है वो अपनी लैंड को इनफर्टाइल कर दिया था उसकी लैंड जो है उसकी किंगडम जो है वो बिल्कुल वेस्ट लैंड में चेंज हो गई थी और ऊपर जिन दो आथर्स का ज़िक्र किया गया है स्टूडेंट्स फ्रेजर और जैसी वेस्टर्न इन्होंने अपनी बुक में जो है वो इनकी बुक में हमें फ़िशर किंग की स्टोरीज़ मिलती हैं ठीक है और ये कहा जाता है कि ये बहुत ज़्यादा सिनफुल था और इसके अलावा ये कि इसके सोल्जर्स जो थे वो भी बिल्कुल ऐसे ही थे और वो जो है वो चर्च में नंस को रेप करते थे और इनकी सारी इन गुनाहों की वजह से इनकी किंगडम जो है वो वेस्ट लैंड में चेंज हो गई थी इनफर्टाइल हो गई थी और इस एलियट ने एक्चुअली बहुत ही ब्रिलियंटली इस फिशर किंग और उसकी वेस्टलैंड को मौजूदा मॉडर्न सोसाइटी की तबाह हाली के साथ रिलेट करके बयान किया है कि कैसे उस फिशर किंग के सेंस की वजह से दुनिया जो है उसकी इन इन जो किंगडम जो है वो इनफर्टाइल हो गई थी इसी तरह मॉडर्न सोसाइटी कैसे तबाह हुई है उसको इससे रिलेट करके बयान किया गया इसके अलावा जो एक और हमें रेफ़रेंस मिलता है वो हॉली ग्रेल का है ग्रेल लेजेंड ठीक है होली ग्रेल एक ऐसा आ, कप था एक प्याला था जिसके बारे में ये यकीन किया जाता है कि जीसस क्राइस्ट आ, का प्याला था और उसमें उन्होंने अपना आखिरी खाना खाया और उसके अलावा उनका जो ब्लड है उसमें कलेक्ट किया गया था और आ, आ, इसके अलावा इट इज़ बिलीव डेट इट हैज़ हीलिंग पार्स तो आ, एक नौजवान शहजादा जो कि किंग आर्थर किंग आर्थर का जो नाइट था वो होली ग्रेल की तलाश में निकला था और उसने फिशर किंग के कासल में स्टे किया था इसके अलावा जो है एक और रेफरेंस जो है वो इडिपस का है आ, इडिपस किंग के बारे में आप जानते ही हैं आपने ऑलरेडी इसका एक प्ले पार्ट पढ़ा है तो एडिपस वो है जिस वो किंग था जिसने अनजाने में अपने बाप को कत्ल करके अपनी माँ से शादी की थी और जब इसे सच्चाई का पता चला था तो इसने खुद को अंधा कर लिया था और वहाँ की ज़मीन जो है वो इनफर्टाइल हो गई थी ठीक है इसके अलावा जो है टायरेसियस टायरेसियस जो है ये एक सूद सेयर था और इसका रेफरेंस जो है वो भी यूज़ किया गया है and uh, who was actually Tarasius he was gifted with prophecy and immortality अब इसकी जो story है वो ये है कि इसको बदुआ दी थी किसने एक goddess ने goddess Athena ने इसको पनिशमेंट दी थी बदा दी थी और इसे औरत बना दिया था इसके अलावा जो है गॉडेस हीरा ने इसको पनिश किया था और उसको अंधा कर दिया था तो इस तरह से ये जो है टायरेसियस की कहानी है इलियट ने टायरेसियस को पोएम के नरेटर के तौर पर जो है चूज़ किया और इसलिए चूज़ किया है क्योंकि उसने ज़िंदगी को एक आदमी और एक औरत दोनों के पर्सपेक्टिव से देखा था और ऑब्ज़र्व किया था इसलिए टी एस एलियन के इस वेस्टलैंड में हम एक नेरेटर जो है वो टायरेसियस को भी देखते हैं तो स्टूडेंट्स इसके अलावा इस पोएम की अगर हम बात करें नरेटिव टेक्निक्स की तो इस पोएम की जो नेरेटिव टेक्निक्स इसमें यूज़ हुई हैं वो सारी मॉडर्न टेक्निक्स हैं ठीक है तो मॉडर्न टेक्निक्स में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट और नावल टेक्निक है वो फ्रैगमेंट्री नैरेटिव नरेशन है तो वेस्टलैंड uh, एक नैरेटिव पोएम है लेकिन ये भी जो है फ्रेगमेंट्री नैरेटिव फॉर्म में लिखी गई है फ्रैगमेंट्स में लिखी गई लिखी गई है इसमें कोई कॉन्टीन्यूटी पाई नहीं जाती इसमें एपिसोड्स हैं तो डिसकनेक्टिड हैं uh, तो जो नरेशन है इसकी नरेशन की जो नेचर है वो मोनोलॉग uh, uh, है कि हमें इसमें मोनोलॉग्स नज़र आते हैं मोनोलॉगिक uh, जो है वो नरेशन uh, हमें नज़र आती है मगर इसमें नरेटर uh, एक नहीं है नरेटर बहुत सारे हैं और uh, जो है इसमें इसके अलावा सिनेमैटिक टेक्निक यूज़ की गई है सिनेमैटिक टेक्निक का मतलब ये कि सीन्स जो हैं डिफरेंट जो है वो यूज़ किए गए हैं द पोम एक्चुअली जंप्स फ्राम वन सीन टू द एन अदर सीन एंड वो जो इमेज़ है uh, हैं वो जैक्सट्रा पोज किए गए हैं एक दूसरे से अपोजिट जो है वो रखे गए हैं और बड़े फ्रीक्वेंटली और रैपिडली जो है वो सीन्स चेंज होते हैं जैसे कि किसी मूवी में होते हैं ठीक है इसके अलावा इस पोएम की जो है वो ख़ास बात इंटर टेक्शुअलिटी है इंटर टेक्चुअलिटी का मतलब ये कि मुख्तलफ़ लैंगवस में से ये जो मुख्तफ़ लैंगवेज़ में से टेक्स्ट के रेफरेंस लिए गए हैं अगरचे ये पोएम इंग्लिश में है मगर देर देर आर मैनी कोटेशंस फ्राम डिफरेंट लैंग्वेज लाइक लैटिन ग्रीक जर्मन एंड संस्कृत और दिस जैसे कि हम लोगों ने पहले देखा है वेस्ट लैंड इज़ डेडिकेटेड टू एसरा पाउंड और इन द स्टार्ट ऑफ द पोएम द टर्म इल इग्लियोर आई विल शो यूल्योर फैब्रो ये जो टर्म uh, यूज़ हुई है ये भी डेफिनेटली इंग्लिश में नहीं है इट मींस दैट बेटर क्राफ्ट्स मैन और इसके अलावा ये देखें हम स्टार्ट में देखते हैं इसका जो एपिग्राफ है ये भी एंशियंट ग्रीक और लैटिन लैंग्वेज में uh, लिखा गया है तो ये लिखा गया है तो इसका मतलब है कि इसमें डिफरेंट लैंग्वेज यूज की गई है और स्टूडेंट्स uh, uh, फिर देखें कि ये जो पोएम है एक्चुअली दिस वाज पब्लिश इन 1922 यानी कि वर्ल्ड वॉर वन के चार साल बाद ये पोइम जो है वो पब्लिश हुई थी और इस पोइम में पोस्ट वॉर यूरोप के स्नैरियो को दिखाया गया है uh, और इस पोइम में जो है ये फाइव पार्ट्स में इसको फाइव सेक्शन में डिवाइड किया गया है और फर्स्ट सेक्शन

इनको डिटेल से हम लोग जो है वो डिस्कस कर लेंगे तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज़